दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Redmi Note 9 Pro Max के बारे में। देखिए दोस्तों, ये मोबाइल तो ऑन है और ये आया है कहाँ से, मैं आपको बताता हूँ। ये आया है देखिए त्रिपुरा, आपको दिख रहा है, पिन कोड भी आपको दिख रहा है, मोबाइल नंबर भी ये है और इसके अंदर इसका पूरा प्रॉपर बॉक्स है। देखिए ये भाई ने भेजा है Redmi Note 9 Pro Max का, आपको अगर दिख रहा है तो मैंने उसको खोल कर निकाल लिया है। और इसका प्रॉब्लम सेम पोको X3 के जैसा है कि साउंड, कैमरा, ब्लूटूथ कुछ नहीं आ रहा है। देखिए मैं इसका लॉक आपको खोल के दिखाता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले तो मैं इसको कैमरा ओपन करता हूँ, देखिए कैमरा ब्लोर है टोटल, ना आगे ना पीछे का, टोटल कैमरा ओपन नहीं हो रहा है। अगर आपको दिख रहा है देखिए कैमरा टोटल ओपन नहीं हो रहा है और साउंड भी नहीं आ रहा है। मैं साउंड आपको दिखाता हूँ और इधर देखते हैं, साउंड बोल रहा था साउंड नहीं आ रहा है, तो साउंड देखते हैं साउंड आ रहा है कि नहीं। देखिए साउंड नहीं आ रहा है, हाँ साउंड तो आ रहा है, इसमें साउंड कभी कभार आता है, कभी कभार आ जाता है, कभी कभार नहीं आता है। और एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम है, वाईफाई ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा था। देखिए ऑन, देखिए ऑन लिखा हुआ आ रहा है आपको अगर दिख रहा है, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। इधर सेटिंग में देखिए ऑन नहीं हो रहा है और ब्लूटूथ भी सेम चीज़ हो रहा है, ब्लूटूथ ऑन तो हो जाता है लेकिन कनेक्ट होता है, साउंड नहीं आता है। देखिए ये टोटली अनपैक है, खुला नहीं हुआ है, एकदम फ्रेश कंडीशन में है। तो दोस्तों अगर आपके पास Redmi Note 9 Pro Max है और उसमें भी कैमरा, साउंड, ब्लूटूथ, वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो। देखिए दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है Redmi Note 9 Pro में, मतलब Pro Max में बहुत कम आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है। मेरे पास ये पहला मोबाइल आया है जिसमें कि ऐसा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगर आपके पास Redmi Note 9 Pro Max है उसमें क्या कर सकते हो, क्या करने से आपका ये प्रॉब्लम ठीक होगा, उसी के बारे में डिटेल्स भी बात करूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो एकदम वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपके पास Redmi का Note 9 Pro Max है तो एकदम वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तब आपको समझ में आएगा कि क्या करना होगा। और अगर आपका प्रॉब्लम आ चुका है तो आपको ये वीडियो जरूर देख लेना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपका प्रॉब्लम हुआ है तो वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये जो Redmi का Note 9 Pro Max है इसमें तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, पोको X3 में, पोको X2 में सेम यही प्रॉब्लम आ रहा है और इसका भी सोल्यूशन सेम है, CPU रिवॉल्व। देखिए दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपके पास ये दो तीन मॉडल, कोई भी मॉडल है और ये प्रॉब्लम आ रहा है तो CPU का प्रॉब्लम है, एक अच्छा रिपेयरिंग शॉप लेके जाइए, आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अच्छा रिपेयरिंग शॉप नहीं चुना, कोई नया रिपेयरिंग शॉप वाले के पास लेके गए, या तो कोई काम सही से नहीं जानता है, तो आपका मोबाइल को वो पूरा खराब करके दे सकता है। तो उसी के चलते आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक सही रिपेयरिंग शॉप चुनिए। अगर आपको ठीक ठाक नहीं लगता है तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके हमारे पास आपका मोबाइल भेज के रिपेयर करा सकते हो, जैसे ये भाई भेजा है। इसका बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। रिवॉल्विंग का कॉस्ट 2000 रुपया है, आप अपना मोबाइल को हमारे पास भेज के अपना मोबाइल को रिपेयर करा सकते हो। कैसे भेजोगे, देखिए भेजने के लिए बहुत सारा कोरियर है, मैं उड़ीसा से हूँ, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो भेज सकते हो बाई कोरियर। देखिए सबसे अच्छा है डिलीवरी, अगर आप नियर बाई हो तो 100 रुपये के अंदर हो जाएगा, और अगर उड़ीसा के बाहर से हो तो 138 रुपया में आपका हो जाएगा। प्रोसेस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, वीडियो ऑलरेडी चैनल में है, जाके देखो डिलीवरी कुरियर से कैसे मोबाइल भेजते हैं, वो पता चल जाएगा। और 138 रुपया में आपके पास से मेरे पास आ जाएगा और इधर से 138 रुपया में आपके पास भी चल जाएगा। सबसे बड़ी बात है हमारे पास अच्छा से रिपेयरिंग हो जाएगा, आपका मोबाइल डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इधर उधर दिखाते हो तो आपका मोबाइल पूरा डैमेज होने का चांसेस रहता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया। और अगर आपने मोबाइल कहीं दिखा दिया है या तो सर्विस सेंटर भी लेके जाते हो तो वो लोग मदरबोर्ड चेंज का बोलेगा, 8-9 हज़ार 10 हज़ार बोलेगा। अगर आप कहीं पे दिखा दिए हो और आपका नहीं हुआ है, वो ड्राइव पावर आईसी प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो भी आप अपना मोबाइल को हमारे पास भेज सकते हो। लेकिन अगर CPU रिवॉल्व कर चुके हो तो होने का चांसेस बहुत कम है, तो भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में जाके देखो मिल जाएगा, और उधर से मुझे डायरेक्ट कॉल करके मेरा एड्रेस लेके आप अपना मोबाइल भेज के रिपेयर करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहां मर्जी शेयर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।